يا حبيب الله، يا رسول الله، 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 هذا الرسول إذا يبسموا ترى الأرض نورا فلا تظلموا هذا الرسول إذا يبسموا ترى الأرض نورا فلا تظلموا वालेकुम एंड हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार ब्लॉग्स आज का मौसम देखिए कितना प्यारा है इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि पूछे मत इस साल गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ रमज़ान में उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े भी बहुत ही अच्छे से गुजरे होंगे तो यहाँ देखिए हस्बैंड जो है वो अपना फेवरेट टाइम पास कर रहे हैं खेती बाड़ी में लगे हुए हैं ये जो देखिए पापया का पेड़ है माशाल्लाह इतना अच्छा है पूरे साल पपया देता है इस रमज़ान का पूरे साल हम लोग ने पापया बाहर से ख़रीदा ही नहीं है इसको भी हम लोग है ना न्यूज़पेपर में रैप करके रख देंगे तो दो दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा और पहले ना दो दिन पहले अभी हम लोग ने तोड़ा थे एक पपया तोड़े थे तो वो रैप करके रखे थे वो बिल्कुल अभी रेडी हो Yeah. <laughs> आज है ना घर में इफ्तार पार्टी है मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी ना कि आज जो है ना जईम ने अपने फ्रेंड्स को इफ्तार पार्टी पे बुलाया है तो इफ्तार है रहेगा और साथ में जो है वो डिनर भी रहेगा तो उसी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी हूँ ये सुबह का टाइम है और जो जईम के फ्रेंड्स हैं ना वो कुछ वेज हैं और कुछ जो है वो नॉन वेज तो मैं दोनों ही आइटम बनाने वाली हूँ तो यहाँ पर बटाटा वड़ा मैं बनाने के लिए आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ बहुत से कमेंट्स आ रहे थे साबूदाना वड़ा की रेसिपी शेयर करने के लिए तो आज मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो वही मैं यहाँ भिगाने जा रही हूँ अच्छा बहुत से लोग कह रहे थे कि उनका साबूदाना जो है वो टूट जाता है तेल में बिखर जाता है तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोग को बताऊँगी कि किस तरह से जो है हमें साबुदाना वड़ा बनाना है कि बिल्कुल भी नहीं टूटेगा तो जो कप का साइज आपने देख लिया ना ये एक बड़ी वाली आ, मतलब मीडियम साइज की कप है वो भर के मैंने साबुदाना ली हूं सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए साबुदाना को भिगाने का भी ना एक बहुत बड़ा रोल होता है अच्छा साबुदाना वड़ा बनाने के लिए तो पानी जो है ना बस उतना ही डालिए जिसमें साबुदाना जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा आलू बॉईल हो गए थे तो उसको स्ट्रेनर में मैंने रख दी हूँ ठंडा होने के लिए मीनवाइल मैंने यहाँ पे चिकन पफ के लिए जो है वो फिलिंग बना ली हूँ लेकिन इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि जो फ़र्स्ट रोज़ा अफ्तार मैंने डाली थी जिस पे जो है टू मिलियन व्यूज़ आए हैं आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को तो उस वीडियो में मैंने शेयर करी थी तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं उसकी रेसिपी मैं बना रही हूँ बटाटे वड़े का मसाला तो नॉन स्टिक पैन ली हूँ उसके अंदर मैंने डाली हूं ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो इसका बघार जो है ना वो मैं राई से देती हूँ तो बस तेल गरम करके फिर उसमें राई डाल देना है जैसे ही राई क्रैकल होने लगेगा तो उसके बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि जो आप लोग ठेले पे खड़े होकर खाते हैं ना बटाटा वड़ा उसमें जो है ना मेन इन्ग्रीडियट यही होता है वैसा अगर ठेले वाला टेस्ट लेना चाहते हैं तो कड़ी पत्ता को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो बस एक से दो सेकेंड के लिए जो है फ्राई करना है कड़ी पत्ता उसके बाद एक चम्मच जो है वो हल्दी मैंने डाल दी उसके अंदर अब है ना इसको तीखा बनाएंगे हम लोग क्योंकि बटाटा वड़ा तभी अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा जो है वो मिर्चा और लहसुन इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस ली हूँ और उसके बाद वो मैं डाल दूँगी पैन में और जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो रखिएगा अगर तेज़ रहेगी तो पूरा मिर्चा जो है वो जल जाएगा और मिर्चा ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा मतलब मैंने तो तीखा ही रखी हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ना वो स्पाइसी अच्छी लगती हैं अच्छा जो आलू हम लोग ने बॉईल किए थे उसको हम लोग फोड़ के डाल देंगे तो सारे आलू जो है ना वो मैं एकदम मैश नहीं करूँगी कुछ कुछ खड़े भी रहेंगे उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दी हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से और है ना आप लोग कहते हैं कि मैं नमक डालती हूँ तो आप लोगों को डर लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाथ में ले के डालने के लिए अच्छा यहाँ पर मैंने जो है बारीक बारीक धनिया की पत्ती कोतमीर काट के रखी थी और उसको मैंने डाल दी हूँ कोतमीर है ना वो पहले ही से जो है धुल के रखिएगा ताकि जो है आलू गीला ना हो कोतमीर सूखी रहेगी तो फिर आलू गीला नहीं होगा तो बस अब इसको सिर्फ दो या तीन मिनट के लिए भूनेंगे हम लोग और फिर हमारा बटाटे वड़े का आलू बिल्कुल रेडी है जब तक कि बटाटे वड़े का आलू ठंडा हो रहा है यहाँ पे है ना मैंने फालदे के लिए दूध चढ़ा दी हूँ और आज जो है ना मैं ये फ़ालदा बिल्कुल रेडीमेड पैकेट से ही बनाने वाली हूँ घर में भी मैं फ़ालदा की सेवई वो सब बनाती हूँ और मैंने इसका वीडियो शेयर करी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी अगर आप लोगों को देखना है तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे घर में फ़ालदा बनाया जा सकता है तो पैन में मैंने एक लीटर दूध और एक गिलास भर के जो है वो पानी डाल दी हूँ जब तक वो पीछे बॉईल हो रहा है ना यहाँ पे मैं जेली बना लूँगी और ये जेली भी ना उसी पैकेट में जो है आती है फालूदा के पैकेट में रेडीमेड जेली का पैकेट मैंने पानी में डाल दी हूँ और इसको मैं मिक्स करूँगी पूरा डिजोल्व होने तक जिस भी प्लेट में हम लोगों को सेट करना है जेली को उसमें हम लोग इसको डाल देंगे तो जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा फिर उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए यहाँ पे है ना दूध हो चुका था गरम तो इसके अंदर मैंने रेडीमेड मेड का पैकेट डाल दी हूँ इसमें है ना तुख मलंगा और सेवई ड्राई फ्रूट शक्कर और कलर हर चीज़ जो है वो डली हुई रहती है अब इसको पंद्रह मिनट के लिए हम लोग बॉईल करेंगे पंद्रह मिनट जब तक जो है गैस पे फालूदा पक रहा है तब तक ना यहाँ आलू भी ठंडा हो गया था बटाटे वड़े का तो मैं सोची कि इसको जो है शेप देके इसको रख देती हूँ ट्रे में रेडी करके तो फिर बस इसका बेसन घोल के बस इसको फ्राई करना होगा ये जो चने हैं ना ये मैंने सहरी के टाइम में ही सोक कर दी थी पानी में तो आप इसको बनाते हैं इसका एक घोल मैं रेडी कर लूँगी तो एक चम्मच मैंने हल्दी ली हूँ और दो चम्मच जो है वो कोरिएंडर पाउडर और एक चम्मच भर के रेड चिली पाउडर एक चम्मच जो है वो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच चाट मसाला पाउडर और उसके बाद है ना हाफ़ लेमन इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ कर दी हूँ उसके बाद वही पानी डाल डाल के थोड़ा सा घोल रेडी कर देंगे आप डायरेक्ट है ना पैन में भी डाल सकते हैं मतलब कुकर में लेकिन इस तरह से बना लो तो आसान होता है तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो मैंने ज़ीरे का बघार दे दी हूँ और उसके बाद मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी बहुत बारीक बारीक मैंने इसके अंदर काटी हूँ तो ये वाली रेसिपी जो है ना ये मैंने ठेले पे जो आम बनाते थे ना चना अंकल जब हम लोग मीरा रोड में खाते थे उन्हीं से ली थी तो फिर मैं उसी टाइप से बनाती हूँ बॉम्बे में ना इसी तरह से बनता है आ, अच्छा वो जो घोल रेडी किए थे ना वो वो मैंने मिर्चे के अंदर डाल दी हूँ और ये मसाले को हम लोग थोड़ी देर भूनेंगे चना बनाने के ना बहुत से तरीके होते हैं मतलब कुछ लोग जो है बिल्कुल सिर्फ नमक डाल के उबालते हैं और फिर ऊपर से प्याज टमाटर डाल के खाते हैं लेकिन है न मुझे उस तरह का ना अच्छा नहीं लगता है मैं है ना चने में थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के भूनती हूँ तो इस तरह से ना मुझे थोड़ा सा जूसी लगता है चना तो बस प्याज और टमाटर वो कट कर ली थी मैंने और उसको मैंने डाल दी हूँ कुकर में और सॉल्ट ऐड कर दी हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब बस इसको है ना तेज़ आँच पर सिर्फ पाँच से सात मिनट के लिए मैं भूनूंगी और फिर चना ऐड करके फिर मैं पानी डाल दूंगी इतना कि जो है वो चना कवर हो जाए फिर दो सीटी आने के बाद पंद्रह मिनट के लिए जो है ना मैं धीरे आंच पे पकाऊंगी और फिर चना जो है वो रेडी है ज़रा सा किचन का हाल देखिए दावत में जो है ना यही होता है कि बर्तन जो है इतने निकल आते हैं कि पूछिए मत तो साथ ही साथ है ना मैं समेटती जाऊँगी नहीं तो फिर लास्ट में ऐसा होगा कि पूरा बर्तन निकल के किचन के स्लैब पे आ गया है तो फिर है ना जितने बर्तन जो है डिश वॉशर में जा सकते हैं उनको मैं डाल के अभी से रख दूंगी ऑन नहीं करूंगी लास्ट में मैं ऑन करूंगी मतलब जब रफ्तार हो जाएगी ना उसके बाद तो अभी मैं डाल देती हूँ ताकि किचन का प्लेटफॉर्म जो है ना वो थोड़ा खाली हो जाए नहीं तो फिर कुछ पकाते नहीं बनेगा और जो बर्तन डिश वॉशर में नहीं आ सकते ना उसको मैं हाथ से ही धो धो के जल्दी से हटा दूँगी जैसे कि आप मिक्सर का जार देख रहे हैं ना मैं इसको कभी भी डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ मुझे लगता है कि अगर ये ख़राब हो गया तो मेरा पूरा मिक्सर का सेट ख़राब हो जाएगा तो इसको मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ और उसके बाद ये जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन देख रहे हैं ना ये भी डिश वॉशर में नहीं जाते हैं ये सब अगर डिश वॉशर में डालेंगे तो पूरा ये बर्तन काला हो जाता है तो इसलिए सारे एल्युमिनियम के बर्तन भी ना मैं हाथी से धोती हूँ अच्छा बहुत सारे लोग बोल रहे थे डिश वॉशर पर एक वीडियो बनाने के लिए कि ये यूज़फ़ुल है कि नहीं है और किस तरह के बर्तन हम इसमें डाल सकते हैं और जो है कितने बर्तन आते हैं मतलब पूरी डिटेल तो रमज़ान की बात जो है ना मैं एक डिटेल में व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं डिश वॉशर से रिलेटेड जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी यहाँ पे है ना साबुदाना खूब अच्छे से सोख हो गया है और ये देखिए इतना भूर भूरा सा है हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है यही पहचान है कि साबुदाना बहुत अच्छा सा सोख हो के रेडी है यहाँ पे है ना मैं थोड़ा सा पीनट्स जो है वो पीसने वाली हूँ चॉपर में तो ये जो मेरा पीनट्स है ना ये सॉल्टेड है और रोस्टेड है अगर आपके पास ऐसा वाला पीनट नहीं है तो आप नॉर्मल पीनट्स को लेके उसको तवे पे रोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसका छिलका निकाल लीजिएगा सोग्ड साबूदाना को मैंने एक डिश में निकाल ली हूँ और उसके अंदर थ्री फोर्थ कप मैंने पीनट्स ऐड कर दी हूँ तो ये देखिए पाउडर नहीं है थोड़ा दरदरा सा है अब दो बड़े साइज का जो है ना वो मैंने आलू बॉईल कर ली थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ग्रेट करके और ये आलू है ना जब मैं बटाटे वड़े का आलू बॉईल कर रही थी ना तो उसी टाइम पे मैंने इसका आलू भी साथ में ही बॉईल कर दी थी ताकि काम जो है वो इजी हो जाए तो बस इसको मोटे वाले साइड से ग्रेट कर देना है और फिर इसके अंदर मिर्चा और लहसुन वो मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस ली थी वो मैं डाल रही हूँ और आधा लेमन डालना है तो ये ना बड़े साइज का लेमन था तो वो मैंने हाफ़ डाल दी हूँ और खूब जूस वाला भी था और उसके बाद हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो इस बार जो है ना वो मैं हरे मसाले में बना रही हूँ मतलब हरा मिर्चा डाल के पिछली बार जो है ना वो मैंने लाल मसाले में डाली थी दोनों ही तरह से बनता है लेकिन ये वाला जो है ना वो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा अब बस इसको जो है ना अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे बहुत ज़्यादा हाथ से दबाइएगा मत कि पूरा साबुदाना जो है वो टूट जाए हल्के हाथ से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे इसको बनाने के लिए ना थोड़ा सा हथेली में पानी ले लीजिए क्योंकि ना ये थोड़ी देर के बाद है ना वो चिपकने लगता है हाथ में तो फिर एकदम स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे हल्का हल्का सा तो बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर बनेगा और फिर जैसे हम लोग कबाब बनाते हैं उसी तरह से लेना है हाथ में थोड़ा सा दबा दबा के ना टाइट कर लीजिएगा पहले बॉल बना लीजिएगा और फिर उसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर दीजिए टाइट सा साबुदाना वड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो फिर तेल में डाल के ना वो खुल जाएगा तो इसी तरह से मैंने सारे वड़े बना ली हूं और एक छोटा सा ये जो वड़ा है ये है आरिस के लिए अच्छा इसको जो है ना बनाने के बाद फ्रिज में एक घंटे के लिए जरूर रख दीजिए तब जब आप फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी तेल में ये बिखरेगा नहीं हस्बैंड भी आ गए हैं किचन में असर की नमाज़ पढ़ के हेल्प करने के लिए तो मैंने इनसे बोली आप फ्रूट वाला काम कर लीजिए फिर तो पपाया और वाटर मेलन दोनों ही को ना मेलनस कुपर से काट के रखेंगे ना तो अच्छा लगेगा खाने में भी इजी रहेगा छोटा छोटा सा बॉल्स और देखने में भी अच्छा लगता है लेकिन आपको पता है क्या हो गया कि ये दोनों काट के दोनों अलग अलग डिश में हम लोग ने रखा लेकिन ना अवतार के टाइम पे मैं इसको निकालना ही भूल गई ये फ्रिज में ही रह गया तो जब इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाओ ना और फिर उसके बाद वो ना हो पाए तो बड़ा ही अफसोस होता है चने के ऊपर है ना कुछ लोग जैसे प्याज टमाटर कोतमीर लेमू ये सब गार्निश करके खाना पसंद करते हैं और वाकई में उससे टेस्ट जो है ना चने का बहुत अच्छा हो जाता है तो वही सब मैं ना यहाँ काट रही थी मैं सोच रही थी कि अभी से काट के उसको रख देती हूँ इस बॉक्स में तो फिर बाद में जो है वो भागम भाग नहीं होगी ये वाला बॉक्स मुझे इतना अच्छा लगा था मतलब जैसे हम लोग अलग अलग प्याली में या डब्बे में कट करके रखने की ज़रूरत नहीं है एक ही जगह पे ना सेक्शन बना हुआ है उसी में हम लोग सारी चीज़ कट करके रख सकते हैं और इसके साथ है ना ये देखिए ढक्कन जो इसका लिड है इसमें भी डिवाइडर बना हुआ है ताकि कोई भी सामान एक दूसरे से मिक्स ना हो फलक यहाँ बैठी है हॉल में चिकन की फिलिंग जो मैंने बनाई थी पफ के लिए वो ठंडी हो गई थी उसको भर रही है तो ये काम तो वही करती है और अभी से हम लोग ने स्टार्ट कर दिए क्योंकि है ना ये छोटे वाले ओवन में हम लोग बेक करेंगे पफ को तो फिर है ना एट ए टाइम सिर्फ छः पफ ही जा सकता है ओवन में तो टाइम लगेगा बारी बारी जो है वो करना पड़ेगा इसलिए मैंने इससे बोली कि तुम अपना काम अभी से स्टार्ट कर दो तो हो जाएगा बड़ा अच्छा बनाइए <laughs> वैसे तो फ्रूट चाट है ना फलक बना लेती है अब लेकिन है ना वो पफ भर रही है तो हस्बैंड बोले कि लाओ मैं ही बना देता हूँ फ्रूट चाट अच्छा मुझे है ना बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत काम करते हैं यूपी के मर्द इतना काम नहीं करते हैं और आपके हस्बैंड ऑल राउंडर हैं और आप बहुत लकी हैं आपके हस्बैंड इज़ द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड तो है ना मैंने ये सब मैसेजेस हस्बैंड को रीड करवाई थी तो वो इतने खुश हो गए थे इतने खुश हो गए थे कि उनके खुशी के ठिकाना नहीं था मतलब चने के झाड़ पर चढ़ के बैठ गए थे तो मेरा भी फायदा हो गया आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहा करिए और मैं इनको सुनाती रहूँगी और जो है ये झूम झूम के देखिए कितना जो है खुशी के मारे काटे जा रहे हैं फ्रूट्स लेकिन वाकई में हेल्प तो करवा ही देते हैं किचन में अच्छा यहाँ है ना मैंने तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ क्योंकि 10 से 15 मिनट लगेगा तेल गरम होने में और वो जो पीछे आप एलुमिनियम का कुकर देख रहे हैं ना उसके अंदर मैंने यखनी पुलाव के लिए जो है वो गोश्त चढ़ाई हूँ लेकिन उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और आरिस जो है वो परेशान है कि आज सारे लोग किचन में क्यों इतना ज़्यादा बिजी हैं तो मैंने भी उसको एक काम दे दी हूँ मैंने बोली कि जाओ सारे लोग बाहर बैठेंगे तो जो सब पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी हैं चेयर पे जाके तुम उसको झाड़ो तो वो भी जो है झूम झूम के जो है सारा काम कर रहा है बड़ा मज़ा आ रहा है उसको काम करने में बहुत सारे लोग हैं ना मुझसे ये क्रिस्पर ट्रे के बारे में पूछ रहे थे कि जिसमें मैं भजिया निकालती हूँ वो कहाँ से ली हूँ तो मैंने तो यहाँ लोकल शॉप से ली थी लेकिन अब मुझे इसकी लिंक मिल गई है अमेजोन पर तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको लेना होगा वो देख सकते हैं अब है ना यहाँ पे मैं बटाटा वड़ा के लिए जो बेसन है ना उसका घोल तैयार कर रही हूँ तो जो बेसन है ना उसको भी मैं थोड़ा सा चटपटाई बनाती हूँ तो बेसन मैंने ले ली हूँ उसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कश्मीरी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा मैं एक चुटकी जो है वो इनो ऐड करूँगी इनो इसलिए क्योंकि ना बेसन यहाँ का मुझे अच्छा नहीं लगता है तो इनो डालने से बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो आ, क्रिस्पी सा बटाटा वड़ा बनेगा इंडिया में जो बेसन होता है ना वो तो बहुत ही अच्छा रहता है तो उसमें इनो वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ये घोल जो है वो रेडी हो गया है फ्राई करने के टाइम देखूंगी अगर बहुत गाढ़ा लगेगा तो फिर मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूंगी यहाँ पे हस्बैंड जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं मैं ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई साबूदाना डालते वक्त ये देखिए साबूदाना जो है ना वो गरम तेल में डालना है क्योंकि ना अगर ठंडी तेल में डालेंगे तो साबूदाना वड़ा जो है वो पूरा बिखर जाएगा और डालने के बाद पाँच से छः सेकंड रुकिए उसके बाद आप उसमें जो है ना वो स्पैचुला डालिएगा नहीं तो फिर स्पैचुला में पूरा वड़ा चिपक जाएगा जेली वो सेट हो गई थी फ्रिज में तो उसको भी ना काट के मैं फ़ालुदा में डाल देती हूँ फालूदा को भी जो है ना वो मैंने जग में निकाल दी हूँ तो फिर जो है ये एक चीज़ रेडी हो गई है और यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त हस्बैंड जो है वो बटाटा वड़ा फ्राई कर रहे हैं एकदम मस्त तो ना पहले मैं आपसे बता रही थी ना कि वो तेल में डालने से थोड़ा डरते हैं अब लेकिन देखिए रमज़ान में फ्राई कर कर के कर कर के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब जो है वो खुद ही जो है बटाटा वड़ा भी डाल ले रहे हैं नहीं तो भजिया हमेशा मैं ही डाल के तेल में देती थी इनको डर लगती थी कहीं छटक ना जाए तो देखिए माशाला से कितना ज़बरदस्त बटाटा वड़ा रेडी हुआ है ये देखिए ठेले वाले की तरह से जो है उड़ा उड़ा के क्रिस्पर ट्रे में निकाल रहे हैं जबरदस्त पटाटा वड़ा रेडी हो गया है यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी तो ये जो साबुदाना वड़ा है ना उसके साथ एक स्पेशल चटनी बनती है नारियल की तो बस मैंने जार में ले ली हूँ धनिया की पत्ती और नारियल हरी मिर्ची लहसुन थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ा सा लेमू लेमू है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा खट्टा लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं होता है कभी कभी बटाटा वड़ा के बाद है ना अब यहाँ पे कीमे का समोसा फ़्राई कर रहे हैं और ये कीमे के समोसा है ना जब मैंने रमज़ान से पहले मेक एंड फ्रीज़ आइटम शेयर करी थी ना उसमें इसकी रेसिपी शेयर करी थी तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी चीज़ें बारी बारी रेडी हो रही हैं तो मैं सोच रही थी कि क्रॉकरी यूनिट में से ना सारे डिशेस मैं निकाल लूं जिसमें भी मुझे सर्व करना है तो अब गर्म ठंडे का चक्कर नहीं रखूंगी और निकाल के पहले से रेडी रख दूंगी क्योंकि फिर बाद में बैठ के हमें दुआएं भी मांगनी हैं इफ्तार के टाइम إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا अब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं चिकन स्टिक्स बहुत ही गजब का बना था देखिए तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी ना स्टिक जली और ना ही जो है वो चिकन स्टिक्स खुले थे बहुत अच्छा बना था इसकी रेसिपी देखने के लिए ना वही मेक एंड फ्रीज आइटम वाला ब्लॉग चेक करिएगा चैनल पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छा बना था सारे बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ईजी भी था ये बनाना जैसे जैसे है ना आइटम्स रेडी होते जाएंगे फलक यहाँ डाइनिंग टेबल पे सब रखती जाएगी और आज है ना हम लोग डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स और ग्लासेस यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ चना एक दफ़ा मैंने इसको गरम कर ली थी और चने पे ना बस मैं धनिया की पत्ती डाल के इसको ऐसे ही रख दूंगी प्याज टमाटर मिर्चा ना वो सब मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी इसमें क्योंकि सब लोग नहीं खाना पसंद करते हैं ना किसी को प्याज चाहिए किसी को नहीं चाहिए किसी को टमाटर चाहिए तो जिसको जो डालना होगा वो अपना डाल लेगा और यहाँ पे देखिए चिकन पफ जो है वो बेक हो के रेडी हो रहे थे तो वो भी मैंने डिश आउट कर दी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें टाइम से पहले रेडी हो गई थी यह है चिकन स्टिक्स फिर ये चना और उसकी लवाजमात, यह है फ्रूट चाट वड़ा पाव का पाव और ये साबुदाने की टिक्की यह है वड़ा उधर पीछे तीखी चटनी और मीठी चटनी यह है कीमे का समोसा और चिकन पफ इफ्तार का टाइम हो गया था तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे ना मैंने जईम के फ्रेंड्स को सब बैठा दी थी यहाँ हम लोग साथ में नहीं बैठे थे और जब मैं वीडियो बना रही थी तो इन लोग इतना शर्मा रहे थे कोई कुछ खा ही नहीं रहा था और हम लोग ना अपनी अवतार लेके थोड़ी बहुत यहाँ टेबल पे दूसरे कोने में बैठ गए थे ताकि हम लोग भी कंफर्टेबली खा सकें और वो लोग भी कंफर्टेबली खा सकें ये सारी रेसिपीज़ बहुत इजी थी जो आज मैंने शेयर करी आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा कैसा है अच्छा ओके okay. तो फिर ठीक है फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को इजी लगी होंगी और पसंद आई होंगी तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा